सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब इश्तिया के खासा सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदा ऑनरेबल नुमाइंदा और इंजीनियर और मेरे वकला भाइयों बहनों, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को आज की कन्वेंशन करवाने पर मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है, इन हालात को सामने रखते हुए जिस तरह आईन और कानून की धज्जियां बिखरी जा रही हैं, जिस तरह आने वाले वक्त के खतरात हमारे सामने हैं, इस कन्वेंशन की बहुत जरूरत थी। उसके लिए मैं नाब अब्दुल जुदाई साहब और सियाके खान साहब दोनों को फराज तहसीन पेश करता हूं। हम और आप जानते हैं बतौर बुकला हम आईन की सरबंदी, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आजादी के लिए हमेशा काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा मेरी बहनों ने, अभी हमारे शफकत जवान साहब ने, हम यहाँ पर बतौर बुकला के इकट्ठे हुए हैं, किसी पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि बाहर के अंदर अदालतों के अंदर हम बुनियादी तौर पर वकला और आईन के सिपाही होते हैं। हम अगर सियासत करते हैं तो वो बाहर से बाहर होती है, लिहाजा जो बात कही गई है यहाँ हम बतौर वकला के और वकला के नुमाइंदा के इकट्ठे हुए हैं और किसी दूसरी हैसियत में नहीं है। इस वक्त जो सुखमुल के अंदर जा रही है सूरत हाल, जिसमें के आईन की खिलाफवर्जी हो रही है, आईन बड़ा वाले इसकी शिक में कोई दो किसी किस्म का भाव नहीं है कि जब कोई असेंबली डिजॉल्व होती है तो उसके लगने के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। इसके अलावा कोई किसी किस्म का भाव आईन में नहीं है। हर अदारे का फर्ज है कि आईन पर अमलदारी करे, इसलिए इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आईन की पाबंदी आईन से बाहर निकले। अदलिया की सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसको वायलेट करे, इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन को मंजूरी करके उसने आईन की खिलाफवर्जी की है और उस खिलाफवर्जी का उसे ऐसा भुगतना पड़ेगा। ये भी अफसोसनाक बात है कि हमारे कुछ लोग उनका ताल्लुक सियासत से है या नहीं, अदलिया पर हमारे जजेस पर अटैक कर रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है। हम वकला किसी जज की जात के खातिर नहीं लड़ते, हम अदलिया बतौर अदारे के उसका तहफ़ करना चाहते हैं और हमेशा हमने किया है। जो भी दौर था, अयूब खान का दौर था, ज़ियाउल हक़ का दौर था, मुशर्रफ का दौर था या कोई भी दौर गुजरा है, हमने हमेशा आईन की पासदारी की है, कानून की पासदारी की है। हमें इस चीज से कोई नहीं कि कौन सा जज की जात है। हम जब लॉयर्स मूवमेंट में भी थे, हम ये कहते थे कि ये मूवमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को का तहफ़ देने के लिए है, किसी जात के लिए, किसी मखसूस जज के लिए। मैं समझता हूँ राणे आसिफ ने जो बात कही है, मैं उस बात को समझता हूँ कि हमारे जज बाबर अपने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी एरोगेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वकला की जो है उनके साथ उनकी एरोगेंस के नतीजे में वकला को हर्ट किया जाता है, जो कि बड़ा दामा आसिफ है। मैं समझता हूँ राणे आसिफ के साथ जो जाति की गई है वो काबिल मुज़म्मत है और उनका जज़्बात जो इसमें हैं उनको अपने रवैयों पर फिर से गौर करना चाहिए। आपको जब मुश्किल पेश आती है, जब मुश्किल में मुबतला होते हैं तो बात ही आपका साथ देती है।
अब आप बाहर के मेहमान की इज्जत और बाजार के साथ खेलेंगे तो आप कोई अच्छा अच्छे बताए की उम्मीद ना रखें। लिहाजा मुझे यकीन है और मैं आपसे तवक्को करता हूँ वो ज्यादातर जो अपने जुडिशियल एरोगेंस में उपला की बेइज्जती करते हैं बालोबाद और उपला के साथ रवैया अख्तियार करते हैं उनसे हम लोगों को करते हैं नाजर इंटरेस्ट के लिए आप उपला के साथ अच्छे तालुबात रखें। ये मुल्क के लिए भी आपके लिए भी अदलिया के लिए भी उनके लिए भी मुनासिब होगा। इस जो सूरत हाल हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन में और जिस तरह वो पब्लिकली डिवीजन सामने आ रही है वो काबिल चीज है। मैं समझता हूँ इस मौके पर हमारे चीफ जस्टिस पंजाब साहब को कोशिश करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को इकट्ठा करें सब जजेस को इकट्ठा करें सब जजेस को साथ उठाएं और जो भी किसी की शिकायत या जो भी गिले दुआरियाँ हैं वो दूर करें और कोशिश करें कि आईन के लिए सब जजेस इकट्ठे हो जाए और आईन की पासदारी के लिए जजेस इकट्ठे हों क्योंकि लीडरशिप का रोल होता है। जब चीफ जस्टिस का रोल ये है कि वो